हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइज को हिंदी बेल्ट में मिली सुपर सक्सेस ने साउथ के फिल्म मेकर्स के लिए बॉलीवुड में दरवाजे खोल दिए हैं और अब उन्हें हिंदी बेल्ट में बॉक्स ऑफिस पर अपनी फिल्मों को रिलीज करने का अच्छा खासा फायदा होने वाला है। पुष्पा ने कोरोना काल में 300 करोड़ की शानदार कमाई कर हर किसी को हैरान कर दिया है। पुष्पा में अल्लू अर्जुन का कमाल देखने के बाद अब मेकर्स अल्लू अर्जुन की उन फिल्मों को भी हिंदी में रिलीज कर रहे हैं जो साल भर पहले तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर हिट हो चुकी है और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर सबटाइटल्स के साथ उपलब्ध है। ऐसी ही फिल्म है अला वेंकुट पुरुमुलु। इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन इसी 26 जनवरी को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइज 17 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म को हिंदी में भी बड़े पैमाने पर रिलीज किया गया था। रिलीज के वक्त किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि पुष्पा हिंदी में इतना अच्छा कलेक्शन करेगी। फिल्म ने रिलीज के 4 हफ्तों में 80 करोड़ से ज्यादा जमा किए हैं, जो एक डब फिल्म के लिए बड़ी बात है। इससे पहले हिंदी बेल्ट में इतनी सफलता सिर्फ बाहुबली फिल्मों को ही मिली थी। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के चलते जनवरी में रिलीज होने वाली सभी नई फिल्मों की रिलीज टाल दी गई है। इन हालातों और पुष्पा की हिंदी में कामयाबी के मद्देनजर अला वेंकुट पुरुमुलु को हिंदी में रिलीज करने का फैसला मेकर्स और एग्जीबिटर्स के लिए मुनाफे का सौदा साबित हो सकता है। बता दें, अला वेंकुट पुरुमुलु 2020 में 12 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 160 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। त्रिविक्रम श्रीनिवास के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में पूजा हेगड़े ने लीड रोल निभाया था। इस फिल्म को अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद ने बनाया था, जो साउथ के जाने माने प्रोड्यूसर है। फिल्म तेलुगु भाषा में हिंदी सबटाइटल्स के साथ नेटफ्लिक्स पर भी उपलब्ध है। बताते चले, अल्लू अर्जुन की इस फिल्म को हिंदी में रोहित धवन शहजादा के नाम से रीमेक कर रही है, जिसमें कार्तिक आर्यन लीड रोल में है। ये फिल्म इसी साल रिलीज होगी। देखना होगा कि अल्लू अर्जुन की अला वेंकुट पुरुमुलु भी पुष्पा की तरह धूम मचा पाती है या नहीं। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर।